अब ख्वाब के अंदर जो अच्छे ख्वाब हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। हाँ, अच्छे ख्वाब किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। और बुरे ख्वाब शैतान के तरफ से। अच्छे ख्वाब के ताल्लुक से हम एक बहुत प्यारी चीज देखेंगे कि अल्लाह ताला ने नबियों को वही भेजी, वही नबियों के पास वही आती थी। नबी कौन? प्रॉफिट। अल्लाह ताला के प्रॉफिट्स जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना, इंसानों में से किसी इंसान को अल्लाह ने चुना, उनको सही रास्ता बताया, उनके पास अल्लाह ताला ने वही भेजी। जैसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन आते थे? जिब्रील अलैहि सलाम। और कौन सी वही भेजी गई उनके पास? कुरान। तो मेरे बच्चों, क्या आपको पता है वही अलग अलग टाइप की होती है? नबियों को एक जो टाइप की वही दी गई थी उसे ख्वाब कहते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब सित्तता व अरबईना जुज़ मिन नुबुव्वा, नबुव्वत का 1/46 हिस्सा है। 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है, एक 46। अगर मान लो जैसे ये पेंसिल्स है, अगर 46 पेंसिल है सपोज, 46 हाँ, और 46 में से एक किसी के पास है, उसके पास क्या है 46 में से? एक है। तो हम देखते हैं कि जो ख्वाब है वो अच्छे ख्वाब जो है वो क्या है, एक हिस्सा, जैसे नबुव्वत को का एक हिस्सा है। नबुव्वत अभी कोई नबी आ सकते हैं? उसके बाद कोई और बुक है? नहीं है। अब अल्लाह बंदे तक अगर कोई पैगाम पहुंचाना चाहता है तो कोई वही आएगी? नहीं। कोई नए नबी आएंगे? नहीं। लेकिन क्या आ सकता है? ख्वाब, ख्वाब आ सकता है। हाँ, सही बुखारी में हदीस है, लम यबका मिन नबुवति इल्ला المبشرات, नबुवत में से सिर्फ ये बाकी है कि मुबशिरात बाकी है, जो अच्छे अच्छे ख्वाब होते हैं वो बाकी है। मतलब नबुवत में से क्या बाकी है? अच्छे ख्वाब अभी भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, आ सकते हैं, अच्छे ख्वाब अभी भी आ सकते हैं। लेकिन हमारे ख्वाब जो होते हैं अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।